हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ चैप्टर फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। द नेम ऑफ टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। लेट्स सी द टॉपिक, प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मींस ताप के परिवर्तन का प्रभाव, कि किस तरीके से ताप के परिवर्तन से मैटर की जो थ्री स्टेट्स होती हैं उनमें उसका प्रभाव पड़ता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेस, तो फिर उस ठोस के जो पार्टिकल्स यानी कि जो कण होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के बढ़ जाने के कारण द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, उस ठोस के जो पार्टिकल्स कण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति के साथ वाइब्रेटिंग यानी कि कंपन करना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जब हीट के फॉर्म में यानी ऊष्मा के फॉर्म में जब एनर्जी यानी ऊर्जा उनको सप्लाई की जाती है, ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उन कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। द पार्टिकल्स लीव दियर पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और इस तरीके से वो पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी पोजिशन को छोड़ करके मुक्त होकर के मूव करना शुरू कर देते हैं। एट अ सर्टेन स्टेज सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इंटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी एक सॉलिड मेल्ट पिघल करके लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था में बदल जाता है, ऐसी अवस्था को हम ऐसे पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मींस ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, एक निश्चित ताप पर पहुँचने के बाद आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स में एनर्जी अधिक क्रिएट हो जाने के कारण वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं और इस तरीके से उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो टूट जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इन टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स वो निश्चित ताप जिस पर कोई एक तरल पदार्थ बॉयल हो करके किस में बदल जाए, गैस के फॉर्म में, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इन कंट्रास्ट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड स्टेट, और इस तरीके से अगर हम क्या करें कि अगर टेम्परेचर को कम कर दें यानी उसको ठंडा कर दें तो उससे गैस जो होती है वो कन्वर्ट होकर के वापस लिक्विड स्टेट में आ जाती है, एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, और अगर उस लिक्विड के टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर दें तो वो लिक्विड कन्वर्ट होकर के सॉलिड स्टेट में बदल जाती है। अब देखिए, जो ये हम वीडियो में आपको ये डायग्राम इस पैराग्राफ के बाद बना हुआ है, इसको पढ़िएगा और देखिएगा समझिएगा तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट में बी समराइज्ड एज, देखिए सॉलिड स्टेट है, उस सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ है उसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, और उस लिक्विड स्टेट वाली चीज़ को आप हीट कर रहे हैं तो गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, और जब इसी गैसियस स्टेट को आप कूल कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, और जब इसी लिक्विड स्टेट वाली चीज़ को आप कूल कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में आपकी वापस प्राप्त हो रही है। सो इस तरह से इट कैन बी कंक्लूडेड, ये निष्कर्ष निकल सकता है
दैट की द स्टेट ऑफ मैटर की पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं कैन बी चेंज इन टू अनदर कि ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं बाई चेंजिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर में परिवर्तन करके। जैसे देखिए सॉलिड है, सॉलिड आपका लिक्विड में बदलेगा, कब बदलेगा जब वो फ्यूज़न होगा यानी मेल्ट होगा, और यही लिक्विड जब वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो यही लिक्विड आपका बदल जाएगा गैस में, और जब यही गैस आपका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी तो गैस से सीधे सॉलिड में बदल जाएगा। और इसी तरीके से देखिए लिक्विड से आप सॉलिड प्राप्त करिएगा तो सॉलिडिफिकेशन की क्रिया होगी, और जब आप गैस से लिक्विड प्राप्त करिएगा तो कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और इसी तरीके जब आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस को प्राप्त करेंगे तो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। तो इसी को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम बना हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, इसकी बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।